निकाल दीजिए, वो कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत की हिदायत के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना और आइडियल बनाकर भेजा, और उस नमूने और आइडियल ने और उस हीरो ने हमको जवानी कैसे गुजारे वो मरहला छोड़ दिया होगा। अरे जवानी कैसे गुजारे, जवानों ने जवानी कैसी गुजारी, सहाबा की जवानियां कैसी गुजरी, उसकी अगर मिसालें ले तो मिसालें देने में मैं समझता हूँ वक्त खत्म हो जाएगा कि वो लोगों ने अपने यूथ एज को, अपनी जवानियों को बहुत सही अंदाज से याद रखी, खर्च किया, सर्व किया, लगा दिया। तो दीन ने हमको बहुत गाइडलाइंस दी यूथ एज के लिए, जवानी के लिए, जो प्राइम है इसके लिए तो और गाइडलाइंस दी बहुत मुफस्सल तफसील के साथ, बारीकी के अंदर दी, याद रखिए हर चीज। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी लोगों को उनके हालात, समाज, तबके और उनकी हैसियत के मुताबिक आप मसाइल और चीजें बयान करते थे ताकि जो उनसे रिलेटेड हो इशूज। एक मरतबा एक सहाबी रसूल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, जुलेबी कैसी चल रही है, क्या मामला है, शादी वादी हुई कि नहीं हुई, यूथ के इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, कमाई और शादी वही बात कर रहे हैं आप उनसे भी, कमाई का क्या मामला है, शादी वगैरह हुई कि नहीं, तो कहा मेरी शादी कहाँ हुई, एक गुलाम आदमी हूँ, हालात ऐसी है, अरब का जो सिस्टम है, गोरे और काले का मसला, जात पात का मसला, मेरे कहाँ से, तो कहा मैं खत लिख कर देता हूँ, वाकया लंबा है, वो खत लिख कर दिया, और वो अरब की इंतहाई खूबसूरत लड़की थी और अरब थी, याद रखी, उससे निकाह हुआ जुलेबी ब्रजंग, लंबा वाकया मैं उस तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक नौजवान से कैसे डील करना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसी बात कर रहे हैं, वैसी आपकी आदत, वो मसाइल, वो सवालात ही आप पूछ रहे हैं उनसे जो उनके रियल इश्यूज होते हैं। एक आदमी जवान हो जाए तो क्या है, उसकी कमाई और शादी की सोचता है, ये जो एक तो पढ़ाई जब छोटा है, जब जवान हुआ शादी और कमाई, और उसके बाद फिर बुढ़ापा है, बच्चों की तरबियत तालीम और उनकी शादी की फिक्र, मामला खत्म है। तो आपने गाइडलाइंस दी, यूथ्स आपके पास आते थे, नौजवान आपके पास आते थे, आपसे सीखते थे, आपने उनको मसाइल बताए, आपने उनके प्रॉब्लम्स को देखा, आपने उनको गाइड किया, नौजवान को रहनुमाई की, उनको उभारा, उनकी सरपरस्ती की, उनके ताल्लुक से क्या कुछ नहीं किया, याद रखिए। आइए नबी अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने, रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।